नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं ANB न्यूज़। आज हम आपको बताएंगे पिता और बेटी के प्यार भरे रिश्ते के बारे में। पापा ऑफिस से घर पहुंचे तो 11 साल की बेटी अपने पापा से बोली, पापा मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। पिता, वाह क्या बात है, लाकर खिलाओ फिर अपने पापा को। बेटी दौड़ती हुई रसोई में गई और बड़ा कटोरा भर कर हलवा लेकर आई। पिता ने खाना शुरू किया और बेटी को देखा, पिता की आंखों से आंसू आ गए। बेटी, क्या हुआ पापा, हलवा अच्छा नहीं लगा? पिता, नहीं मेरी बेटी, बहुत अच्छा बना है। और देखते देखते पूरा कटोरा खाली कर दिया। इतने में माँ बाथरूम से नहाकर बाहर आई और अपनी बेटी से बोली, ला मुझे खिला अपना हलवा। इतने में पिता ने बेटी को 50 रुपये इनाम में दिए और बेटी खुशी से मम्मी के लिए भी हलवा लेकर आई। मगर ये क्या, जैसे ही माँ ने हलवे की पहली चम्मच मुँह में डाली तो तुरंत थूक दिया और बोली, ये क्या बनाया है, ये कोई हलवा है, इसमें चीनी नहीं नमक भरा है और आप इसे कैसे खा सकते हैं, ये तो एकदम कड़वा है। पत्नी, मेरे बनाए खाने में तो कभी नमक कम है कभी मिर्च तेज़ है, कहते रहते हो और बेटी को बजाय कुछ कहने के इनाम देते हो। पिता हंसते हुए, पगली तेरा मेरा तो जीवन भर का साथ है, रिश्ता है पति पत्नी का जिसमें नोक झोंक रूठना मनाना सब चलता है, मगर ये तो बेटी है कल चली जाएगी। आज इसे वो एहसास वो अपनापन महसूस हुआ जो मुझे इसके जन्म के समय हुआ था। आज इसने बड़े प्यार से पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है, फिर वो जैसा भी हो मेरे लिए सबसे बेहतर और सबसे स्वादिष्ट है। ये बेटियाँ अपने पापा की राजकुमारियाँ होती है, जैसे तुम अपने पापा की परी हो। वो रोते हुए पति के सीने से लग गई और सोच रही थी, इसीलिए हर लड़की अपने पति में अपने पापा की छवि ढूंढती है। दोस्तों, यही सच है, हर बेटी अपने पिता के बड़े करीब होती है या यूं कहे कलेजे का टुकड़ा होती है, इसलिए शादी में विदाई के समय सबसे ज़्यादा पिता ही रोता है। कई जन्मों की जुदाई के बाद बेटी का जन्म होता है, इसलिए तो कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। यदि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें।